नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं नेहा परिहार। खबरों में क्या कुछ है खास, किसने किया किस पर सियासी वार, किसान आंदोलन पर कौन है मेहरबान, क्या कहता है आज सत्ता का इतिहास। किसानों के मसले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्ष मार्च निकालने की तैयारी में है, लेकिन कांग्रेस के मार्च को निकलने की इजाजत नहीं दी गई है, जिसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई नेताओं को भी हिरासत में ले लिया गया है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी तीन नेताओं के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले। राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने लिखा कि भारत के किसान ऐसी त्रासदी से बचने के लिए कृषि विरोधी कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इस सत्याग्रह में हम सबको देश के अन्नदाताओं का साथ देना होगा। कोरोना वैक्सीन अभी भारत में आई भी नहीं है, लेकिन उसके पहले ही वो विवादों में जरूर आ चुकी है। कोरोना वैक्सीन को लेकर मुस्लिम समुदाय में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो वहीं मुंबई की रजा एकेडमी ने एक फतवा भी जारी करते हुए कहा है कि जब तक हमारे मुफ्ती दवा की जांच ना कर ले, तब तक मुसलमान इस दवा को लगवाने के लिए आगे नहीं आएंगे। दरअसल इस तरह की चर्चा अक्टूबर में ही शुरू हो गई थी, जब इंडोनेशिया राजनयिक और इस्लामिक धर्मगुरु कोरोना वैक्सीन पर चर्चा करने के लिए चीन पहुंचे थे। ये ग्रुप इंडोनेशिया की जनता के लिए वैक्सीन की डील फाइनल करने के इरादे से पहुंचा था। यहाँ वैक्सीन तैयार करने के तरीकों की जानकारी मिलने के बाद धर्मगुरुओं ने इस पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। उम्मीद की जा रही है कि नए साल में देश के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले ही मुस्लिम समुदाय के कोरोना वैक्सीन के हलाला या हराम होने पर सवाल पर बहस और भी तेज हो गया है। मौलाना सैयद नूरी के मुताबिक उन्होंने बताया है कि चीन ने जो वैक्सीन बनाई है उसमें सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में जो भी वैक्सीन भारत आती है उसे हमारे मुफ्ती और डॉक्टर अपने हिसाब से चेक करेंगे। उनकी इजाजत मिलने के बाद ही भारत के मुस्लिम उस वैक्सीन का इस्तेमाल करें या ना करें। अब देखना होगा कि कैसे दुनिया भर के मौलाना मुफ्ती ये जांच करेंगे और ये दवा हलाला विधि से बनी है या हराम के तरीके से। ये मालूम हुआ है कि चाइना ने एक वैक्सीन बनाया है जिसमें सूअर की चर्बी या और किसी चीज का इस्तेमाल किया है। इस सिलसिले में मौलाना मोइनिया साहब ने एक मीटिंग उलमाए कराम की तलब की और जिसमें ये बात तय हुई, जिसको शहर काजी बम्बई मुफ्ती महमूद अख्तर साहब कबला ने फरमाया कि खंजीर यानी सूअर हराम और नजसुल आयन है। कुरान मजीद में इसे नजिस फरमाया गया है। इसका हर जुज़ ख्वा गोश्त हो या चर्बी या हड्डी हो या खाल, बल्कि इसका बाल बाल नजिस और नापाक है। यहाँ तक कि खंजीर का बाल भी अगर कुएं में पड़ जाए तो पूरा कुआं नापाक हो जाएगा। लिहाजा किसी भी दवा या वैक्सीन या किसी भी चीज़ में खंजीर का कोई भी जुज इस्तेमाल किया जाए वो बिल्कुल नापाक और हराम है। इसका इस्तेमाल हरगिज़ जायज़ नहीं, और ये यकीन रखा जाए कि हराम चीज़ में अल्लाह ताला ने शिफा नहीं रखी है। हदीस शरीफ में है कि रसूल अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इस चीज़ में शिफा नहीं रखी है जिसको तुम्हारे ऊपर हराम करार दिया है। ये बयान आज मुफ्ती महमूद अख्तर साहब शहर बम्बई आज़ी ने दिया है, जिसको बम्बई शहर के तमाम उलमाए कराम और मुफ्तियान निज़ाम की हिमायत हासिल है। स्पेशल रिपोर्ट में आज इतना ही। नमस्कार।